सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हो आदित्य डाइट व्लॉग्स। गाइस वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो द मोस्ट अवेटेड वीडियो, द मोस्ट मतलब डिमांडेबल वीडियो, आप लोगों ने बोला था क्यू एन ए वीडियो लाओ, क्यू एन ए वीडियो लाओ, क्यू एन ए वीडियो लाओ। तो आप सभी लोगों के लिए मैं क्यू एन ए वीडियो ला चुका हूं। तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, कम से कम मैक्स 5-10 क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि सबके जो क्वेश्चन थे वो सारे मतलब सिमिलर थे। तो जितने क्वेश्चन पूछे गए मैं सबके आंसर देने वाला हूँ। इतने ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं जो मेरे को कॉपी बनाना पड़े या मेरे को एक फोन पे लिखना पड़े या मेरे को कंप्यूटर में करना पड़े। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो आपकी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग यहीं से वीडियो स्किप करने लग जाते हैं। तू साला बोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। तो बिना किसी देरी के चलो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों को आने वाला इस वीडियो में बहुत मजा है। आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा है, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर 1K सब्सक्राइबर। मेरे को पता नहीं था कि आप 1K करवा दोगे, एंड आई एम सो मच हैप्पी फॉर 1K सब्सक्राइबर। फिलहाल ये वीडियो थोड़ा डिले आई है, अब तक 1.2K या 3K हो चुके हैं आई थिंक, आई गेस अभी 1.2K हैं, मैं इतना ज्यादा चेक करा नहीं है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन मुझे याद है वो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन भाई का था कि भाई आजकल आप हो कहाँ, कर क्या रहे हो? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। मतलब ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। तो भाई लोगों, मैं हूँ अभी चिन्याली सौर उत्तरकाशी में, मैं यहाँ से कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस के ट्रेड से। तो इसीलिए मैं रेगुलर वीडियोस भी नहीं ला पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, हाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर शॉर्ट्स आप लोगों को दे दूँ। तो यही रीज़न है कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, और फिलहाल मैं चिन्याली सौर उत्तरकाशी में हूँ, और ये मेरा रूम है, यहाँ मैं अकेला रहता हूँ, यहीं पर पढ़ाई करता हूँ, यहीं मैं आजकल मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। तो बस यही सब है। या। और सेकंड क्वेश्चन भाई का था, आर यू इन अ रिलेशनशिप? ये चीज एक ने नहीं, ये चीज पता नहीं कितने सारे लोगों ने पूछी है। तो गाइस आर यू इन अ रिलेशनशिप का जवाब तो मैं क्या ही दूं, हो भी सकता हूं नहीं भी हो सकता हूं। चीन टपाक डम डम। तो इट्स योर चॉइस, आप लोग गैस करो, होऊंगा तो ठीक है, नहीं होऊंगा तो भी ठीक है ना। तो ये आप लोगों की मर्जी है, शायद से हूँ, नहीं शायद से नहीं हूँ, अब कन्फर्म तो मैं बता नहीं सकता हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है। जिस दिन होगी रेवल अपने आप कर दूंगा, पर अभी फिलहाल शायद से नहीं है, शायद लगा रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचना कि नहीं है, क्योंकि मुझे खुद कन्फर्म नहीं है कि है कि नहीं है। ऐसा कोई है नहीं जिससे मैं बात करता हूँ, अपने अकेले में रहता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, वीडियोज बनाता हूँ, ऐसी है मेरी लाइफ। हाँ कोई इंटरेस्टेड होगी तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा कुछ मैं बोलने वाला नहीं हूँ। हाँ फिलहाल गाइस तो मेन आंसर ये है कि शायद से हो सकती, अगर होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, फिलहाल तो है नहीं, अगर है तो अच्छी बात है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई का, आपने 10th कौन से स्कूल से पास आउट करा? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? गाइज मैंने 10th करा है न्यू टिहरी उत्तराखंड से, और मैं वहाँ सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल में था, 10th पास आउट मैंने वहाँ से करी थी, और उसके बाद मेरी 11th में आर्ट साइड थी, और आर्ट साइड के बाद मैंने पॉलिटेक्निक करा है, पॉलिटेक्निक PCM है, और 12th मैंने प्राइवेट डाल रखा है, और मैं अभी फिलहाल बेसिकली एक स्टूडेंट हूँ, और 12th मैंने मैथ्स ले रखी है। तो यही है बेसिकली। और एक भाई का क्या था क्वेश्चन, एक भाई का क्वेश्चन था कि भाई आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, अगर वो भाई ये वीडियो देख रहा है तो भाई आप लोग मेरे फैंस नहीं हो, ना मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ, ना मैं कुछ हूँ, मैं सीधे बोलता हूँ आप लोग मेरी फैमिली हो, और मेरे लिए आप लोग भाई हो, बहन हो, और अंकल हो, आंटी हो, जो भी देखते हैं यही सब हो, फैंस कोई नहीं है, सब फैमिली है। तो यही है भाई, राजस्थान वाले भाई ने बोला था कि मीटअप के लिए मीटअप करना है आपसे, तो भाई करेंगे मीटअप आपसे भी, जिस दिन आ जाओगे मिलने के लिए उस दिन बता देना, आपसे मीटअप करेंगे। ओ तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भाई आपको कितना साल यूट्यूब खोले हुए हो चुका है? बेसिकली मुझे यूट्यूब खोले हुए 2 साल अप्रॉक्स हो चुके हैं, 1.5-2 साल हो चुके हैं,
और अब जाके मेरे 1. कुछ के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मतलब हाँ, बहुत टाइम लगा है मुझे ये सब गेन करने में। मतलब पहले तक मैंने घर वालों को बता भी नहीं रखा था, और अब तो घर वालों को फिर भी पता चल चुका है जब 1K या 1. कुछ हो चुके हैं। तो पहले तक घर वालों को पता नहीं था, अब घर वालों को पता चला है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है घर वालों को छुपा के चलाना। अब घर वालों को थोड़ा बहुत पता है, फिर भी घर वाले बोलते हैं कि ये सब क्यों कर रहा है, बंद कर दे, पढ़ाई में फोकस कर। तो यही सब है, इसीलिए कभी कभार वीडियोस लाने में डिले हो जाती है, क्योंकि उनके सामने जब एडिटिंग वगैरह करता हूँ तो दिक्कत हो जाती है। बस यही सब है, और क्या बताना गाइस, 1.5 साल हो चुके हैं। इतने साल में मतलब बहुत बारी गिव अप करने का मन आया, पर गिव अप करा नहीं कभी। आई ऑलवेज प्रिफर कि गिव अप नहीं करना चाहिए, जो चीज़ एक बार स्टार्ट कर दी है उसमें अपनी जी जान लगा दो। अभी 1K हैं, क्या पता 1 लाख हो जाए, क्या पता 1 मिलियन हो जाए, क्या पता बहुत ज़्यादा हो जाए, अप्रॉक्स आई गेस हो सकते हैं, अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट करते रहोगे। तो बेसिकली इन टॉपिक्स पे बेसी आप लोगों के कमेंट्स थे, और किसी ने गर्लफ्रेंड के लिए पूछ रखा था, किसी ने ये पूछ रखा था स्टडी कहाँ से करते हो, किसी ने बोला भाई आपकी लाइफ कैसी गई है जब आप लोगों के लिए यूट्यूब में पता लगा, मतलब आपने यूट्यूब जब स्टार्ट करा था क्या सोच के स्टार्ट करा था। तो भाई मैंने यूट्यूब ये सोच के स्टार्ट करा था कि मतलब हम लोग ऐसे दोस्त लोग थे, तो मतलब बेसिकली मेरे को ब्लॉग वगैरह का पता था कि बनाते हैं, तो मैंने ऐसे जस्ट बना दिया। उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था अंशुमन, उसको एडिटर था, तो मतलब ऐसी बातों बातों में स्टार्ट हो गया था। एडिटिंग उसने करके दी थी, उसने बोला भाई अपलोड कर ले, मैंने भी मजे मजे में चैनल क्रिएट कर दिया, और पहला ब्लॉग आज तक मैंने अपना ब्लॉग आज तक हटाया नहीं है कभी। मैंने झाड़ू पोछा भी मारा है, वो भी मैंने ब्लॉग्स में दिखाया है। मैंने कभी भी मतलब ऐसा नहीं करा है कि अपनी वीडियोस हटा दी ताकि लोगों को पता ना चले कि ये पहले क्या था। मैं जो पहले था वही अभी भी हूँ। ये देखो अभी भी मैं इस हाफ बंडी में बैठा हूँ, सैंडो टाइप में, बास्केटबॉल की जर्सी में। मैंने कोई यहाँ शर्ट वगैरह नहीं पहनी है, या मैं कोई अच्छे से गेमिंग रूम में नहीं बैठा हूँ। ये ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ये ग्रीन दीवार है जिस कमरे की है, ठीक है गाइस। ऊपर पंखा चल रहा है, यहाँ गर्मी इतनी हो रही है कि क्या बताऊँ, मेरे सर से टपक रहा है पसीना ही पसीना। तो इसीलिए ऐसे ही स्टार्ट हो गया था। फिर एक कमेंट है, भाई आप मोटो ब्लॉग आजकल क्यों नहीं डालते हो, और मोटो ब्लॉगिंग आपने स्टार्ट कैसे करी थी। तो गाइस मैंने मोटो ब्लॉगिंग ऐसे स्टार्ट करी थी कि मेरे साथ एक भैया है, डेनिस भैया, अभी भी साथ में है। तो बेसिकली क्या हुआ था, हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे थे, तो घूमते घूमते मैंने भैया को बोला, भैया मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो क्या आज मैं मोटो ब्लॉग ट्राई करूँ। तो मोटो ब्लॉग ट्राई करने के लिए सबसे पहला ट्राई हमने करा था, तो वो वीडियो तो बहुत बेकार बनी थी, पर भैया नहीं अप्रिशिएट कर रहा था मोटो ब्लॉग बनाने के लिए। भैया नहीं बताया था ऐसे ऐसे बना, ये एंगल्स होते हैं, ये एंगल दिखाने होते हैं, ये सिनेमेटिक्स होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैं भैया से सीखा हूं। और बाइक्स वगैरह के बारे में भी नॉलेज मेरे को आदत ज़्यादा भैया से ही आया है। मतलब आज की डेट में अगर मुझे बाइक करके रिपेयरिंग करनी आती है तो वो भी भैया लोगों की वजह से आती है। तो बेसिकली सौरभ भैया हो गए, डेनिस भैया हो गए, ऐसे बहुत सारे, उनके वजह से ही मैं सीखा हूँ, तो मेन रीज़न यही है बस। और उसके बाद तो एक ब्लॉग आया था काणा ताग वाला, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया था, अब जाके तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट करा था, भैया ने अप्रिशिएट किया था, तो भैया के चांसेस में मैंने कर दिया था। यही था वीडियो, उसमें के क्वेश्चन वगैरह आप लोगों के। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस। 1K हो गई है, 2K भी करा ही दो, 2K में अलग क्यों मैंने लाएंगे, उसमें आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछना, आपको ज़्यादा क्वेश्चन के जवाब दे दूंगा। अभी आपने एक गिने चुने इतने पूछे थे, और जितने क्वेश्चन पूछे गए थे तो सारे इससे रिलेटेड थे, ज़्यादा कुछ मतलब कुछ ज़्यादा बड़े नहीं थे, कुछ ज़्यादा छोटे नहीं थे, मतलब रिलेटेड इन्हीं टॉपिक्स में थे। तो इन टॉपिक्स को मैंने एक साथ कवर अप किया, और एक ही वीडियो मैंने कवर अप कर दिया इन टॉपिक्स को। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब वाला बटन है ना उसको दबा दो, और वो जो बेल आइकन है उसको नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन हर टाइम मिलते रहे। बस यही है गाइस, तो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में। आई होप आप अच्छे हो और अच्छे बने रहना। I'm not afraid to die।